इंडक्शन को प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा है हमने. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट डू वी मीन बाय म्यूचुअल इंडक्शन. ठीक है, सो टू अंडरस्टैंड द म्यूचुअल इंडक्शन आई हैव टेकन टू कॉइल. दिस इज प्राइमरी कॉइल एंड दिस इज सेकेंडरी कॉइल. जिस कॉइल में सोर्स ऑफ ईएमएफ लगा है, बैटरी लगी है, उसको लेते हैं प्राइमरी कॉइल. और जहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगा है, सोर्स ऑफ ईएमएफ नहीं होता है, बैटरी नहीं होती है, उसको हम बोलते हैं ये सेकेंडरी कॉइल है. नाउ सी व्हाट हैपेंस. If I close the key K, then current start flowing from positive to negative direction. As I close the key K, current start flowing from positive to negative. और इस coil से भी current flow होगा, no doubt. और इसके आसपास बनेगी magnetic field. इसका मतलब यहाँ पे magnetic lines generate होगी. और अगर यहाँ पे magnetic lines produce हो रही है, तो you can observe ये मैग्नेटिक लाइंस बनेगी इस कॉइल की वजह से. और बिकॉज ऑफ दिस लाइन ये सेकेंडरी कॉइल को भी टच करेगी. ये जो लाइंस यहाँ पे जैसे जैसे करंट इंक्रीज हो रहा है, वैसे वैसे ये मैग्नेटिक लाइंस बन रही है, मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, और फ्लक्स लिंक विद द सेकेंडरी चेंज हो रहा है. देखो, इनिशियली एक लाइन थी, अभी जैसे करंट बढ़ा फिर से दो लाइन आ गई, फिर से नाउ ये थर्ड लाइन आएगी. और जैसे जैसे फ्लक्स बनते जाएंगे, जैसे जैसे ये फ्लक्स बनते जाएंगे, सेकेंडरी कॉइल से लिंक्ड फ्लक्स भी चेंज होते जाएंगे. एंड अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ दैट वी नो वेरी वेल, व्हेन फ्लक्स लिंक विद द कॉइल चेंजेस एंड ईएमएफ इज इंड्यूस इन द कॉइल, तो यहाँ पर सेकेंडरी कॉइल के फ्लक्स हो रहे हैं चेंज. ठीक है, तो यहाँ पर डेफिनेटली हमको दिखाई देगा कि देर इज अ डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर. इनिशियली जो जीरो पर था वो डिफ्लेक्शन हमको इस साइड दिखाई देगा. ठीक है, जैसे ही मैं इस की को क्लोज करता हूँ तो ये जो मैग्नेटिक लाइंस है ये कम होगी, क्योंकि यहाँ पे करंट डिक्रीज होगा. और जैसे करंट डिक्रीज होगा तो मुझे दिखाई देगा कि गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में है. ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे करंट इंड्यूस हुआ है. और करंट इंड्यूस क्यों हुआ है, क्योंकि ईएमएफ यहाँ पे इंड्यूस हुआ है. ठीक है, तो मान लेते हैं कि सेकेंडरी कॉइल से जो फ्लक्स लिंक्ड है, मान लेते हैं कि ये फाई एस है, फ्लक्स लिंक विद द सेकेंडरी कॉइल. और इसमें ईएमएफ जो इंड्यूस हुआ है, मान लेते हैं कि ईएमएफ इंड्यूस, ईएस इज द ईएमएफ इंड्यूस इन द सेकेंडरी, और इसके खुद के फ्लक्स भी चेंज हो गए. करेक्ट है. और हाँ, एक बात, ये कॉइल में जब ईएमएफ इंड्यूस होगा तो इसमें भी करंट प्रोड्यूस होगा, और इसमें जब करंट प्रोड्यूस होगा तो यहाँ पर भी तो मैग्नेटिक लाइन्स बनेगी ना सेकेंडरी कॉइल में. अरे, यहाँ पर भी तो इसकी वजह से भी तो मैग्नेटिक लाइंस बनेगी, और इसकी वजह से जो मैग्नेटिक लाइंस बनेगी वो लिंक होगी प्राइमरी कॉइल से जाकर. करेक्ट है, तो सेकेंडरी कॉइल की वजह से प्राइमरी कॉइल के अंदर भी तो एक ईएमएफ इंड्यूस होगा ना. इस कॉइल में भी करंट आएगा. तुमने की क्लोज की तो ये डिफ्लेक्शन इधर डायरेक्शन में आया, इसका मतलब क्या हुआ, करंट कैसे बना, ऐसे बना. अब इसमें अगर करंट फ्लो हो रहा है, जो कि इंड्यूस करंट हम जिसको बोल रहे हैं, तो इसकी वजह से भी तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, और इसकी मैग्नेटिक लाइन जाके इसको टच होगी. यानी यहाँ पे सेकेंडरी का जो करंट है, ये जो सेकेंडरी का जो करंट है जो कि इंड्यूस करंट है, इसमें चेंज होने की वजह से यहाँ पर भी एक ईएमएफ इंड्यूस होगा प्राइमरी कॉइल में. करेक्ट है, लेट्स से उसको हम ईपी बोल देते हैं, इंड्यूस ईएमएफ इन प्राइमरी. और इसके जो फ्लक्स है वो मैं बोल देता हूँ, लेट्स से ये कितने हैं, फाइव पी, फ्लक्स लिंक विद द प्राइमरी कॉइल. ओके, सो नाउ लेट अस सी. सबसे पहले मैं ये बता दूं कि एग्जाम में कैसे लिखना है. अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तो एग्जाम में कैसे लिखेंगे, आप देखो, फ्लक्स सेकेंडरी के चेंज हो रहा है बिकॉज ऑफ करंट इन द प्राइमरी. जो प्राइमरी करंट है, इस प्राइमरी करंट की वजह से सेकेंडरी के फ्लक्स चेंज हो रहे हैं. करेक्ट है, यहाँ पे करंट इंक्रीज या डिक्रीज हुआ तो लाइंस कम ज़्यादा बनेगी और इससे लिंक्ड फ्लक्स कम या ज़्यादा चेंज हो गए. तो ये जो फेनोमेना है, द फ्लक्स लिंक विद द सेकेंडरी कॉइल चेंजेस बिकॉज ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द प्राइमरी, इसी फेनोमेना को बोला जाता है, ये क्या है, म्यूचुअल इंडक्शन. व्हेन फ्लक्स लिंक विद द सेकेंडरी कॉइल चेंजेस ड्यू टू चेंज ऑफ करंट इन द प्राइमरी, दिस फेनोमेना इज कॉल्ड व्हाट, दिस फेनोमेना इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्शन. तो चेंज इन करंट का जो रीजन है वो है ये, सेकेंडरी के जो फ्लक्स है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट इन द प्राइमरी. ठीक है, नाउ लेट मी यूज सम कॉन्स्टेंट. तो समझ आए ना, ये इक्वेशन क्या है, फ्लक्स सेकेंडरी के जितने ज़्यादा चेंज होंगे, और ये किस वजह से हो रहा है, प्राइमरी के करंट की वजह से. जितना ज़्यादा प्राइमरी का करंट चेंज होगा, फ्लक्स सेकेंडरी का उतना ज़्यादा चेंज होगा, उतना ज़्यादा ईएमएफ इंड्यूस होगा. सो लेट मी यूज सम कॉन्स्टेंट
एंड हियर आई एम गोइंग टू यूज अ कॉन्स्टेंट कॉल्ड एम विच इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन. और ये आई पी जो है ये करंट इन द प्राइमरी सर्किट है, करंट इन द प्राइमरी सर्किट ये वाला, ठीक है. और आई एस करंट इन द सेकेंडरी, वो अलग बात है कि इसको हम इंड्यूस मान रहे हैं, ठीक है. सो लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर वन. सो फ्लक्स इन द सेकेंडरी इट इज इक्वल्स टू एम इन टू आई पी. अब ये एम जो हमने यूज़ किया है ना, तो ये एम जो है इट इज कॉल्ड, सी एम इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन. इसको बोला ये कोएफिशिएंट ऑफ क्या है, म्यूचुअल इंडक्शन. इसको और एक नाम है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज टी आई ओ एन. इसको बोला है म्यूचुअल इंडक्टेंस, इसको म्यूचुअल इंडक्टेंस भी बोला जाता है, ठीक है. और ये जो M है जिसको आप बोल रहे हो कि ये कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन बिटवीन टू कॉइल, इट डिपेंड्स अपॉन सम फैक्टर्स. लाइक कि M जो है, देखिए ये डिपेंड करता है सबसे पहले तो शेप एंड साइज ऑफ कॉइल, शेप एंड साइज ऑफ कॉइल इस पर डिपेंड करता है. दूसरा जो फैक्टर है जिस पर डिपेंड करता है वो है नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल. देखिए शेप एंड साइज का मतलब है कि कॉइल कितना, लाइक उसमें उसकी साइज कितनी है, उसका शेप कैसा है, उस पर डिपेंड करेगा. नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं इसमें, इसमें कितने नंबर ऑफ टर्न्स है, उस पर भी ये म्यूचुअल इंडक्टेंस डिपेंड करता है. साथ ही साथ तीसरा फैक्टर जिस पर डिपेंड करता है वो है एंगुलर ओरिएंटेशन, एंगुलर ओरिएंटेशन ऑफ कॉइल, कॉइल के एंगुलर ओरिएंटेशन पर ये डिपेंड करता है. फोर्थ चीज़ जो डिपेंड करता है ये वो है मीडियम बिटवीन द कॉइल, मीडियम बिटवीन टू कॉइल, इन चीज़ों पर डिपेंड करता है. शेप हो गया, नंबर ऑफ टर्न्स हो गया, एंगुलर ओरिएंटेशन, मीडियम बिटवीन टू कॉइल है कॉइल के बीच का, सेपरेशन बिटवीन टू कॉइल. तो ये सारे फैक्टर्स हैं जिन पर म्यूचुअल इंडक्शन डिपेंड करता है. ये एम, शेप एंड साइज, नंबर ऑफ टर्न्स, एंगुलर ओरिएंटेशन, मीडियम एंड सेपरेशन बिटवीन द टू कॉइल्स. ओके, सो नाउ लेट अस सी, ये तो हो गया. अब देखते हैं कि इसमें ईएमएफ कितना इंड्यूस हुआ है, जिसको तुम बोल रहे हो कि ईएमएफ इंड्यूस इन द सेकेंडरी कितना है. सो लेट अस राइट ईएमएफ इंड्यूस इन द सेकेंडरी, ईएमएफ इंड्यूस इन सेकेंडरी कॉइल. और सेकेंडरी कॉइल में ईएमएफ क्यों इंड्यूस हो रहा है, बिकॉज चेंज ऑफ करंट इन द प्राइमरी कॉइल. सो वी कैन राइट दिस ई एस इज इक्वल्स टू माइनस डी फाइ एस डिवाइडेड बाई डी टी, बिकॉज ईएमएफ हैज इंड्यूस इन द सेकेंडरी बिकॉज ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द सेकेंडरी फ्लक्स. सो नाउ लेट मी सब्सटीट्यूट दिस वैल्यू, फाइ एस इज इक्वल्स टू एम इन टू आई पी. इस इक्वेशन में रखता हूँ मैं, एस इज इक्वल्स टू माइनस d by dt of phi s की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन वन, m into ip. सो यहाँ पे रखता हूँ m into ip, ठीक है. और अब इसको सॉल्व करता हूँ, m को डिफ्रेंसिएशन के बाहर लिखता हूँ एज इट इज़ अ कॉन्स्टेंट, तो ये हो जाएगा माइनस m into dip divided by dt. और ये है emf induced in the secondary where this negative sign indicate that the EMF induced in the secondary, it is such that it opposes the change of current in the primary, जो कि हमको लेंज ने बताया कि EMF induced कैसे होगा, it will be, its direction will be such that it opposes the change of current in the primary, इस तरीके से ये बनेगा, ठीक है. यानी यहाँ पे अगर ये करंट इंक्रीजिंग है तो ये जो मैग्नेटिक लाइन्स है ये इंक्रीज हो रही है, तो इसका जो करंट रहेगा सेकेंडरी में वो ऐसे बनेगा कि ये जो नंबर ऑफ लाइंस इंक्रीज हो रही है ये इसको अपोज करे, यानी नंबर ऑफ लाइंस को डिक्रीज करे, उसकी डायरेक्शन ऐसी रहेगी, ठीक है. अभी मैं डायरेक्शन के बारे में यहाँ पे डिस्कस नहीं करता, मुझे इस फॉर्मूले को समझना है, ठीक है. सो नाउ मैग्नीट्यूड में मैं लिखता हूँ कि मैग्नीट्यूड में इसको मैं कैसे लिखूंगा. So in magnitude we can write magnitude of ES, it can be written as m into dip divided by dt. EMF induced is
such that opposes the change of current in the primary. Now, if you want to define this mutual inductance, then you can write M is equals to ES divided by dIP divided by dt. ठीक है, यानी म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या है, तो ये है रेशियो ऑफ ईएमएफ इंड्यूस इन द सेकेंडरी टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द प्राइमरी। अगर यहाँ पे मैं dIP डिवाइडेड बाय dt को 1 रख लूँ, देखो अगर चेंज ऑफ करंट इन द प्राइमरी अगर ये मैं यूनिट रेट ले लूँ यानी 1 एम्पियर पर सेकेंड के हिसाब से अगर करंट प्राइमरी में चेंज हो रहा है और यहाँ पे मैं रख दूँ 1 इस इक्वेशन नंबर 2 में, सो व्हाट आई विल गेट सी, अगर मैं dIP डिवाइडेड बाय dt की वैल्यू को 1 रख दूं, सो व्हाट आई विल गेट लुक एट दैट इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन 2 विल इम्प्लाई, ये इक्वेशन 2 बनेगी m इज इक्वल्स टू es, इसका मतलब ये हुआ कि म्यूचुअल इंडक्टर, तो अगर करंट इन द प्राइमरी इफ इट इज चेंजिंग एट 1 एम्पियर पर सेकेंड, अगर dIP डिवाइडेड बाई dt को मैं इक्वेशन 2 में रख दूँ, तो व्हाट आई विल गेट m इज इक्वल्स टू es। सो व्हाट डज इट इंडिकेट, इट इंडिकेट दैट म्यूचुअल इंडक्टेंस इट विल बी इक्वल टू emf इंड्यूस इन द सेकेंडरी व्हेन करंट चेंजेस एट द रेट ऑफ 1 एम्पियर पर सेकेंड। हाउ यू विल डिफाइन म्यूचुअल इंडक्टेंस, अगेन आई एम टेलिंग यू, म्यूचुअल इंडक्टेंस इट इज इक्वल्स टू emf इंड्यूस इन द सेकेंडरी व्हेन करंट इन द प्राइमरी चेंजेस एट द रेट ऑफ 1 एम्पियर पर सेकेंड। ऐसे बोलेंगे ना, व्हेन करंट इन द प्राइमरी चेंजेस एट द रेट ऑफ 1 एम्पियर पर सेकेंड। ओके फाइन, सो और हाँ, यहाँ पे अगर मैं ES की वैल्यू भी 1 रख दूँ तो कितना हो जाएगा, देखो अगर यहाँ पे ES की वैल्यू मैं रख दूँ 1 वोल्ट, ठीक है, यानी साथ ही साथ यहीं पे लिख लेता हूँ, साथ ही साथ अगर मैं ES की वैल्यू भी यहाँ पे 1 वोल्ट रख दूँ तो क्या होगा, देखो सो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे इक्वेशन 2 मुझे फिर से मिलेगी, इक्वेशन 2 ये इंप्लाई करेगी m इज इक्वल्स टू 1 वोल्ट डिवाइडेड बाय कितना होगा, 1 एम्पियर पर सेकेंड, 1 वोल्ट डिवाइडेड बाय 1 एम्पियर पर सेकेंड, और ये जो है म्यूचुअल इंडक्टेंस एक्चुअल में यही होता है 1 हेनरी, इसी को हम बोलेंगे कि ये क्या है 1 हेनरी, इसको बोलेंगे ये 1 हेनरी के बराबर है, इसको 1 एच भी लिखते हैं, ठीक है 1 एच भी लिखते हैं, यानी हाउ यू विल डिफाइन 1 हेनरी, यू विल से म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन द टू कॉइल इज सेट टू बी 1 हेनरी व्हेन 1 वोल्ट ऑफ ईएमएफ इज इंड्यूस इन द सेकेंडरी कॉइल व्हेन करंट इन द प्राइमरी चेंजेस एट द रेट ऑफ 1 एम्पियर पर सेकेंड। म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन द टू कॉइल इज सेट टू बी 1 हेनरी व्हेन ईएमएफ इन द सेकेंडरी व्हेन 1 वोल्ट ऑफ द ईएमएफ इज इंड्यूस इन द सेकेंडरी व्हेन करंट इन द प्राइमरी चेंजेस एट द रेट ऑफ 1 एम्पियर पर सेकेंड। दिस इज हाउ यू डिफाइन 1 हेनरी। क्लियर है? सो अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछता है कि सेल्फ इंडक्शन को एक्सप्लेन करना है, तो दिस इज हाउ यू विल एक्सप्लेन द एग्जामिनेशन। ठीक है, बट इससे भी ज़्यादा बहुत सारी चीज़ें हैं, वो आगे मैं बताता हूँ तुमको। ठीक है, तो एक और बात, चलो इसको मैं रब कर देता हूँ। सो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड, हमने बोला कि ये जो फ्लक्स ऑफ सेकेंडरी है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट इन द प्राइमरी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकता हूँ, सो एम एस इज इक्वल्स टू म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ सेकेंडरी कॉइल इनटू करंट इन द प्राइमरी। आई हैव यूज दिस एम एस, सो व्हाट इज म्यूचुअल इंडक्टेंस है, कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन फॉर सेकेंडरी कॉइल। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 में मानता हूँ। ठीक है, अब मैंने तुमको बोला कि इसके अंदर भी ईएमएफ इंड्यूस होगा और इसमें भी करंट इंड्यूस होगा इस कॉइल के अंदर, और इसकी वजह से प्राइमरी के फ्लक्स भी चेंज हो गए। ठीक है, तो उस हिसाब से कैन आई राइट फ्लक्स ऑफ द प्राइमरी, फ्लक्स ऑफ द प्राइमरी इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट इन द सेकेंडरी। देखो ना, अगर सेकेंडरी में करंट इंड्यूस होता है तो यहाँ पे भी मैग्नेटिक लाइंस बनेंगी, मैग्नेटिक फील्ड बनेगी और प्राइमरी के फ्लक्स चेंज होंगे। कितने ज़्यादा चेंज होंगे? जितना ज़्यादा इस सेकेंडरी का करंट चेंज होगा। सो उस हिसाब से मैंने लिखा है phi p इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट इन द सेकेंडरी। सो लेट अस यूज़ अगेन सम कॉन्स्टेंट, एंड दिस टाइम आई एम राइटिंग
म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ प्राइमरी कॉइल इंटू आई इंटू एस, लेट्स दिस इज इक्वेशन नंबर टू, ठीक है। बट देखो दोनों कॉइल में सिमेट्री है, दोनों कॉइल में सिमेट्री है, तो ड्यू टू सिमेट्री व्हाट आई कैन राइट, ड्यू टू सिमेट्री जो म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है सेकेंडरी कॉइल का वो ऑलमोस्ट इक्वल्स टू प्राइमरी कॉइल होता है। किस लिए मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि सिमेट्री है, क्योंकि मैंने बोला है कि म्यूचुअल इंडक्टेंस इट डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ टर्न्स, शेप एंड साइज, और मैं मान रहा हूँ दोनों कॉइल का शेप एंड साइज सेम है, नंबर ऑफ टर्न सेम है, सेपरेशन वगैरह सारे परफेक्ट कंडीशन है, उस केस में सिमेट्री की वजह से हम बोलते हैं कि एम एस इज इक्वल्स टू एम पी, दिस इज इक्वल्स टू एम। अब अगर मैं ये दोनों इक्वेशन में एम एस और एम पी की बजाय एम रख दूँ तो दोनों ये इक्वेशन क्या बनेगी, देखो ये इक्वेशन बनेगी phi s is equals to m into ip, ठीक है, और ये इक्वेशन बनेगी phi p, this is equals to m into is, ठीक है। Now let us calculate this m. If you calculate m, if you solve these two equation, you will get m is equals to, देखो m यहाँ पे आएगा, flux in secondary divided by current in the primary, this is equals to फ्लक्स इन द प्राइमरी डिवाइडेड बाय करंट इन द सेकेंडरी। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस को डिफाइन करने का ये भी एक तरीका है कि इट इज़ नथिंग बट इट इज़ द चेंज इन फ्लक्स ऑफ द सेकेंडरी कॉइल पर यूनिट करंट इन द प्राइमरी, इन दोनों का रेशो होता है म्यूचुअल इंडक्टेंस, और इवन यू कैन से दैट फ्लक्स लिंक विद द प्राइमरी कॉइल पर यूनिट चेंज ऑफ करंट इन द सेकेंडरी कॉइल, दिस इज हाउ यू डिफाइन म्यूचुअल इंडक्टेंस, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द वे टू राइट द म्यूचुअल इंडक्टेंस, ओके। सो ये हुआ ऑल अबाउट म्यूचुअल इंडक्शन। लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग। तो बहुत आसान है कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग को समझना, देखो इट इज़ द मेजर ऑफ हाउ मच फ्लक्स इज टचिंग द सेकेंडरी कॉइल बिकॉज ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द प्राइमरी कॉइल। प्राइमरी का करंट चेंज हो रहा है तो इसकी वजह से मैग्नेटिक लाइन्स बन रही है, और कितनी लाइन्स जाके इसको टच कर रही है इसका जो मेजरमेंट होता है उसी को कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग हम बोलते हैं, ये है कैपिटल के से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और ये जो कोएफिशिएंट ऑफ इंडक्टेंस है, नाउ रिमेंबर म्यूचुअल इंडक्टेंस इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स ऑफ प्राइमरी, ठीक है। और एक और बात, अगर मैं यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी साइन को रिमूव करूँ तो आई कैन राइट m इज इक्वल्स टू k टाइम्स ऑफ phi p, जहाँ पे k यही है कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग, कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग है k, ठीक है। इसको इक्वेशन में वन मार्क करता हूँ। एक और खास बात, जो म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है, देखो जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है इट इज़ ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई एम एफ इंड्यूस इन द सेकेंडरी। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है ये उतना ज़्यादा होगा जितना प्राइमरी के फ्लक्स जो है, जितने ज़्यादा चेंज होंगे उतना ज़्यादा म्यूचुअल इंडक्टेंस रहेगा, और म्यूचुअल इंडक्टेंस अगर ई एम एफ इंड्यूस इन द सेकेंडरी ज़्यादा रहा तो इसका मैग्नीट्यूड भी ज़्यादा रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे लुक एट दिस इक्वेशन नंबर वन, सो इसको मैं ये वैल्यू को इक्वेशन टू में भी रख सकता हूँ, ठीक है। तो इक्वेशन टू क्या बनेगा, देखो इक्वेशन टू में रख सकता हूँ, यानी m को मैं es से रिप्लेस कर दूँ, m को es से रिप्लेस कर दूँ तो आई विल गेट es इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू k टाइम्स ऑफ फ्लक्स ऑफ प्राइमरी, ये तो ऑब्वियस बात है, ये तो हमको पता ही है, ठीक है। अब यहाँ से es देखो emf इंड्यूस इन द सेकेंडरी, ये एक और चीज़ पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी पे, जितने ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स रहेंगे सेकेंडरी कॉइल में उस पर भी ये डिपेंड करता है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ es इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी इन टू के टाइम्स फ्लक्स ऑफ प्राइमरी, पता है ना, यानी जितने ज़्यादा टर्न्स रहेंगे उतना ज़्यादा ई एम एफ इंड्यूस होगा, ये तो हमको पता ही है। E इज इक्वल्स टू डी फाई बाई, याद है ना ये फॉर्मूला, E इज इक्वल्स टू डी फाई बाई डी टी, और हमने बोला n नंबर ऑफ टर्न्स है तो हम क्या लिखते थे, डी बाई डी टी ऑफ n टाइम्स फाई, याद है ना, n से मल्टीप्लाई करते थे फिर n टाइम्स डी फाई बाई डी टी हम इसको लिखते थे। सो चलिए ठीक है, सो नाउ देखो यहाँ पे ये जो फ्लक्स इन द प्राइमरी है, ये फ्लक्स इन द प्राइमरी इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी, देखो इस इक्वेशन को, फ्लक्स प्राइमरी का ये डिपेंड करेगा कितने ज़्यादा, जितने ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स उतना ज़्यादा फ्लक्स लिंक विद द प्राइमरी, तो फाइव पी की बजाय मैं एन पी रखता हूँ। ये इक्वेशन फिर से बनेगी ई एस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी के पहले लिख देता हूँ यहाँ पे, फिर ये नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी और यहाँ पे के लिख देता हूँ, ठीक है।
यानी इसको लिखता हूँ मैं के टाइम्स नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी एंड नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी. एंड रिमेंबर वन एक्सप्रेशन, वी हैव इंडक्टेंस पर यूनिट लेंथ. इन आवर टेक्स्ट बुक वी हैव दिस एक्सप्रेशन, इंडक्टेंस पर यूनिट लेंथ इट इज इक्वल्स टू, ये होता है न्यू नॉट टाइम्स एन स्क्वायर टाइम्स ए. दिस इज अ फॉर्मूला, ठीक है, न्यू नॉट टाइम्स एन इंटू ए, ये होता है इंडक्टेंस पर यूनिट लेंथ. सो फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन वन थिंग वी कैन सी, जो एल है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर, ठीक है, यानी यहाँ से मैं लिख सकता हूँ एन जो है एन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ एल, ठीक है ना, यहाँ से. सिमिलरली आई कैन राइट एन वन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ एल वन, एंड आई कैन राइट यानी एन वन की बजाय मैं इसको एन पी लिखता हूँ, एन पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंडक्टेंस ऑफ प्राइमरी एंड नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द सेकेंडरी इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंडक्टेंस ऑफ द सेकेंडरी. और दोनों को मिलाकर अगर मैं लिखना चाहूँ तो आई कैन राइट एन पी नंबर ऑफ टर्न्स इन टू नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी एंड नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ एल पी इन टू एल एस, इंडक्टेंस ऑफ प्राइमरी एंड इंडक्टेंस ऑफ सेकेंडरी. और इस वैल्यू को मैं यहाँ पर रखता हूँ लगकर इस इक्वेशन में, ठीक है, लुक एट दिस इक्वेशन, सॉरी कहाँ पर, यहाँ पर नहीं, लुक एट दिस इक्वेशन, यहाँ पे लाके रखता हूँ इस इक्वेशन में, ठीक है. सो लेट से इसको कोई इक्वेशन वन बोल देता हूँ, तो इक्वेशन वन क्या इम्प्लाई करेगी, देखो इक्वेशन वन ये इम्प्लाई करेगी कि ये जो ई एस है, ई एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के टाइम्स अंडर रूट ऑफ एल पी इन टू एल एस. प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट को अगर मैं यूनिटी कंसिडर कर लूँ तो आई कैन राइट ई एस इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ एल पी इन टू एल एस. और एल एस देखो किस बात पे डिपेंड करता है, वेयर इज एल एस, यहाँ पे शायद सॉरी एल एस नहीं, ई एस, ई एस देखो एम पर डिपेंड करता है, यानी जितना ज़्यादा ई एस उतना ज़्यादा एम. सो आई कैन राइट एम इंस्टेड ऑफ ई एस विच इज़ म्यूचुअल इंडक्टेंस, और ये एम बनेगा के टाइम्स अंडर रूट ऑफ एल पी इन टू एल एस. और ये जो है ये रिलेशनशिप है बिटवीन म्यूचुअल इंडक्टेंस कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग, इंडक्टेंस ऑफ प्राइमरी एंड इंडक्टेंस ऑफ सेकेंडरी. यू कैन राइट एम इज इक्वल्स टू के अंडर रूट एल पी माइनस एल एस. यहाँ से के भी आप कैलकुलेट कर सकते हो, के कैन बी रिटन एज एम डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ एल पी इन टू एल एस, जहाँ पे एल पी इंडक्टेंस ऑफ प्राइमरी, एल एस इंडक्टेंस ऑफ सेकेंडरी है, ठीक है. और एक खास बात, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात, ये जो कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग है फॉर टू कॉइल, कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग फॉर टू कॉइल इट इज ऑलवेज लेस देन वन, ये हमेशा लेस देन वन होता है किसी भी दो कॉइल के लिए. कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग शुड ऑलवेज बी लेस देन वन, ठीक है. नाउ लेट अस डिस्कस सम केसेस, लेट अस डिस्कस सम केसेस. तो लेट अस सी व्हाट आर डिफरेंट केसेस. सो कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग के लिए अगर टू कॉइल्स दे आर परफेक्टली कपल्ड, दो कॉइल परफेक्टली कपल्ड है, परफेक्टली कपल कैसे होते हैं, सीधे दोनों कॉइल, यानी ये एक कॉइल है ये दूसरा कॉइल है और ये ऐसे परफेक्टली कपल्ड है, तो उनके लिए हम बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग कितना है, ये वन होता है, ठीक है. अगर टाइटली कपल्ड है तो हम बोलते हैं के की वैल्यू ग्रेटर देन 0.5 होती है इफ़ दे आर टाइटली कपल्ड. और यहाँ पे टू कॉइल्स इफ दे आर लूजली कपल्ड हम बोलते हैं कि के की वैल्यू जो होती है वो 0.5 से कम होती है बट ग्रेटर देन 0 होती है. जैसे कि मैंने बोला के की वैल्यू शुड ऑलवेज बी लेस देन 1, ठीक है. यानी इसमें डिफरेंट डिफरेंट केसेस ये हो सकते हैं, देखो यानी लाइक परफेक्टली कपल का एग्जाम्पल ये हो सकता है कि ये कॉइल है और ये दूसरा कॉइल है, तो हम बोल सकते हैं कि ये जो प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल है परफेक्टली कपल्ड है. टाइटली कपल का मतलब शायद ये हो सकता है कि एकदम परफेक्ट शेप में ये रखे हैं यहाँ पे. लूजली का मीन्स लूजली कपल्ड, यानी ये जो कॉइल है शायद इनका ओरिएंटेशन वगैरह कुछ बिगड़ा है, कुछ प्रॉपरली है नहीं, ये एक हो सकता है. और साथ ही साथ अगर कॉइल कुछ ऐसा है, देखो अगर ये एक कॉइल है प्राइमरी कॉइल और ये कोई दूसरा कॉइल है सेकेंडरी कॉइल, तो इस केस में तो बिल्कुल ही जो कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग है इसकी वैल्यू 0 होगी,
सो यू हैव टू लुक एट द ओरिएंटेशन ऑफ दिस कॉइल. सो सिंपल है, कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग इज नथिंग बट इट इज़ द मेजर ऑफ हाउ मच फ्लक्स फ्रॉम द प्राइमरी दे आर टचिंग टू द सेकेंडरी कॉइल एंड दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग. ऑलवेज रिमेंबर इट इज less than 1 and these are the different cases. So guys, I hope you have understood the mutual induction. See you in the next session. Thanks.